अरीबा तुम अब आई हो? मैंने तुमसे और साथियों से कहा भी था कि रात को यहीं रुक जाओ, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। आंटी वो अम्मी कह रही थी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। क्या अच्छा नहीं लगता, अब देखो कितनी अफरा तफरी मची रही है। अरे भाई तुम लोग तो जाओ जल्दी से, गाड़ी में सामान रखो, देर हो रही है, बहुत देर हो गई भाई। आंटी हो जाएगा सब, कोई बात नहीं। बेटा अब तो तुम्हारा डबल रिश्ता है ना, जमल तुम्हारी सहेली भी है, नन भी है। तो नाश्ता तैयार हो गया? हाँ सब कुछ तैयार है, मैं बस जल्दी से रूहान को बुलाती हूँ, फिर जाके गाड़ी में रखो ये चीजें। वैसे एक बात कहूं? कहें? कला बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक्स। सच कहूं तो आपसे नजर ही नहीं हट रही थी। रोहान आई थिंक हमें देर हो रही है। दिल कर रहा था कि बस सिर्फ आप ही को देखता रहूं। रोहान चलें, जमल वेट कर रही होगी ना। ओके आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा ने तुम्हें भेजा नाश्ता देकर? क्यों आंटी, मैं नहीं आ सकती। नहीं नहीं आई मीन अभी सिर्फ मंगनी हुई है ना, शादी तो हुई नहीं है इसलिए कहा। मैं जमल की दोस्त भी हूँ, इसी रिश्ते से नाश्ता मैं लाई हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एक्चुअली तुम लोग इतनी सुबह सुबह आ गए ना, मैं तो भी तैयार भी नहीं हुई। एनीवे तुम बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे बेटा? मैं ठीक, आप सुनाएं। I see, so तुम रोहान के साथ आए हो? नहीं आंटी, एक्चुअली मैं रीबा के साथ आया हूँ। एनीवे तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ और जमल को बुलवा देती हूँ। मैं जमल से खुद ही जाकर मिल लेती हूँ। Whatever you like। अच्छा रीबा वो? मैं जमल से मिलकर आती हूँ। May I come in, madam? अरीबा कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। थैंक यू। वाह भाई रूम तो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। और तुम उससे भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक्स। वैसे फारिस कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं, तुम्हारा शौहर है, तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? मेरा मतलब कि यहीं कहीं बाहर होंगे। चलो फिर जल्दी से बता दो मुंह दिखाई में क्या मिला। देखो छुपाना मत। जमल कुछ पूछ रही हूँ तुमसे यार। कुछ नहीं। क्या मतलब? फारिस कह रहे थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे क्या गिफ्ट करें। उन्होंने कहा कि मैं खुद उनके साथ जाकर कुछ भी पसंद कर लूं। ये क्या बात हुई यार, शादी की रस्म होती है मुंह दिखाई, तो अब गिफ्ट देने का क्या फायदा? अरे बट ठीक ही तो कहा है, अगर वो कुछ खरीद लेते और मुझे पसंद ना आता तो फिर? ये क्या बात हुई, मुंह दिखाई में तो जो भी देते तुम्हें अच्छा ही लगता ना, पर देते तो सही। हाँ ये भी है, लेकिन फारिस ने तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा ना। खूब अच्छा सोचा, पहले तुम्हें बाहर से इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजते थे और अब इतना इम्पोर्टेंट डे पे कुछ भी नहीं दिया। खुद बात करूंगी मैं फारिस से। नहीं नहीं अरीबा प्लीज फारिस से कोई बात मत करना। अरे मेरी जान तुम क्यों फिक्र करती हो,
मैं नॉर्मली बात करूंगी यार, ऐसे ही पूछ लूंगी कैजुअली। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि मॉम कैसी थी? मेरे जाने के बाद तो वो बहुत परेशान हो गई होंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने उनका बहुत ख्याल रखा है। अब बातें करती रहोगी या नाश्ता भी करूंगी? चलो ठंडा हो जाएगा। चलो यार रोहन, थैंक्स फॉर द नाश्ता। नहीं नॉट अंकल आंटी को भी थैंक यू कर देना मेरी तरफ से। नो प्रॉब्लम। फारिस, मेरा मतलब फारिस भाई, आपने जमल को शादी का कोई तोहफा नहीं दिया क्या?